नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों का नेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 16 अप्रैल तक नेशनल करंट अफेयर को एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में 17 अप्रैल से लेकर आज तक 28 अप्रैल तक जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबका यहाँ एनालिसिस करेंगे, शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए कि अगर आप घर बैठे छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस मोबाइल कोर्स से जुड़कर कर सकते हो। इस मोबाइल कोर्स की सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट competitioncommunity.com पर मिल जाएगा। पहले इस मोबाइल कोर्स की कीमत 4200 रुपये थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर यह मोबाइल कोर्स आपको सिर्फ 3000 रुपये में मिल रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें। और इसके अलावा बहुत जल्द कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का एक विशेष पहल आ रहा है, जहाँ किताबों की बात होंगी आवाज़ के साथ। इसके माध्यम से भी आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये बहुत जल्द आने वाला है और इसकी सारी डिटेल आप तक बहुत जल्द उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लें या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको उपलब्ध करवाया गया है उस नंबर पर भी आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे कि क्या कोई अभी प्रेजेंट टाइम पर CGPSC मेंस का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो मैंने पहले भी बताया था कि मात्र 600 रुपये में आपको CGPSC मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप घर बैठकर बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लें, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे पेपर अवेलेबल हैं और विथ एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप अपने आप को जाँच भी सकते हो। इसके बाद हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। इसमें किन किन बातों को आपको ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहली बात, ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। 2010 से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिएगा कि राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अगर हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी याद रखिएगा। हमें पता है कि हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र शासन, राज्य शासन, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक पहचान मिली है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा। इसके अलावा कहाँ इसको उल्लेखित किया गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित सारे प्रोविजंस किए गए हैं। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखोगे तो पार्ट 9 में आपको यहाँ पर पंचायतें नाम से एक शीर्षक मिलेगा, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243U तक पंचायती राज से संबंधित प्रोविजंस किए गए हैं। इसके अलावा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल को भी उल्लेखित किया गया है, जिसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, सवाल ये है कि पंचायती राज व्यवस्था को कौन से लिस्ट में रखा गया है, यानी कि कौन से सूची में रखा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची या फिर संवर्ती सूची। तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखना, 2010 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस, और राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ग्राम सभा पुरस्कार का भी वितरण किया जाता है। इसमें 3 प्रकार से पुरस्कार दिए जाते हैं, ग्रामों को प्रमोट करने के लिए, अगर कोई ग्राम बेहतर काम करता है या फिर कोई ग्रामीण क्षेत्र बेहतर काम करते हैं तो उसे प्रमोट करने के लिए 3 प्रकार से पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पुरस्कार है नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, इसके बाद आ जाता है बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, और इसके बाद आ जाता है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। तीनों पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिएगा कि
2020 में यानी कि इस वर्ष 24 अप्रैल को जब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा था तो इस दिन एक पोर्टल विकसित किया गया है। उस पोर्टल का नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल, जिसके तहत देश की सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो अगला आज का टॉपिक है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। हाल ही में रिलीज किया गया है, किसकी तरफ से रिलीज किया जाता है इस बात को ध्यान रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। इसके बारे में भी हम जानेंगे, भारत की स्थिति भी जानेंगे, इसके अलावा ग्लोबल सिचुएशन भी हम यहां पर जानेंगे। तो याद रखिएगा कि हाल ही में 2020 के इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। सबसे पहले इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में टोटल 180 देशों को शामिल किया गया है। इस 180 देशों में 24% ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर पत्रकारिता की स्थिति अच्छी है, यानी कि आप इसे संतोषजनक भी कह सकते हो। इसके अलावा 37% ऐसे कंट्रीज है जहां पर समस्या बहुत अधिक है पत्रकारिता के मामले में। पत्रकारों को उतनी स्वतंत्रता नहीं है अपनी बात को रखने के लिए, या फिर वहाँ पर पत्रकार बटे हुए हैं, या फिर जनता के प्रति जो पत्रकारों पर भरोसा है वो नहीं है, तो ऐसे समस्याग्रस्त श्रेणी में रखा गया है 37% कंट्रीज़ को इन 180 देशों में से। इसके अलावा 11% ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है, जहाँ पर बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है पत्रकारों, वहाँ पर अपनी बात अपने तरीके से रखने का बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है, तो ऐसे कंट्री की स्थिति जो है वो 11% है इस 180 देशों में से। भारत इसमें से कौन सी स्थिति में है, तो इस 37% वाले सिचुएशन में इंडिया भी आता है जहाँ पर सिचुएशन जो है वो समस्याग्रस्त है। तो ये कुछ रिपोर्ट के इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, और इस रिपोर्ट में जो पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है आप उन बातों को भी ध्यान रखिएगा। इसमें पैरामीटर्स में अगर आप देखोगे तो किसी कंट्री में पत्रकार को अपनी बात रखने के लिए कितनी आज़ादी मिली हुई है, जनता को पत्रकार के ऊपर में कितना भरोसा है, इन सब सारे पैरामीटर के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जब वैश्विक स्थिति की हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्थान पे आता है आपका नॉर्वे, दूसरे स्थान पे आता है फिनलैंड, तीसरे स्थान पे आता है डेनमार्क, और सबसे आखिरी पैदान यानी कि 180वां स्थान है उत्तर कोरिया का। कहने का मतलब है कि पत्रकारिता को जो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है, या फिर लोगों को पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा जो भरोसा है वो आपका नॉर्वे में है, फिनलैंड में है, डेनमार्क में है, जहाँ पर पत्रकारिता को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है वो है आपका नॉर्थ कोरिया। अब यहाँ पर बात आती है कि भारत की स्थिति किस प्रकार से है, तो 2020 के इस रिपोर्ट में भारत 45.33 अंकों के साथ 142वें स्थान पर है। ठीक है, पिछले साल से आप कंपेयर करोगे तो भारत को यहाँ पर 2 स्थानों का नुकसान हुआ है, और 2018 में देखोगे तो यहाँ पर भारत का स्थान 138वां था। ठीक है, यानी कि 138। इसके अलावा मैंने बोला था आपको कि इसके बारे में भी याद रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, क्योंकि इसी की तरफ से इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। क्या है ये, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि संयुक्त राष्ट्र के साथ में मिलकर संयुक्त राष्ट्र के लिए सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसके द्वारा सबसे पहला जो पत्रकारिता इंडेक्स है वो रिलीज़ किया गया था आपका वर्ष 2002 में। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट नीचे चला गया है तो कोई बात नहीं, और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में भी इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विद्यादान 2.0। इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है किसकी तरफ से, तो इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि सेंट्रल ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से। कहाँ लॉन्च किया गया है, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इसको विद्यादान 2.0 को लॉन्च किया गया है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है, अगर कोई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे कुछ सामग्री का योगदान देना चाहते हैं या बच्चों को देश में कहीं भी और कभी भी सिखा सकते हैं या पढ़ाने की क्षमता रखते हैं तो इस विद्यादान 2.0 के माध्यम से वो इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम दीक्षा की बात करें, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे विद्यादान 2.0 को लॉन्च किया गया है, तो ये दीक्षा है क्या, दीक्षा का मतलब है नेशनल
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स, यानी कि टीचर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है यह एक दीक्षा, और यह शिक्षकों के लिए खुद को सीखने और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है दीक्षा, जिसे कि वर्ष 2019 में ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया है। अगर सरल शब्दों में कहें तो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है यह दीक्षा नाम का प्लेटफॉर्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को किसकी तरफ से लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है। यह एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप कोविड-19 से संबंधित अगर किसी भी प्रश्न का जानकारी चाहते हैं तो आप कोविड इंडिया सेवा नामक इस प्लेटफॉर्म से सारी इंफॉर्मेशन आप इंस्टेंट ही ले सकते हो। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया ये कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म के बारे में आप याद रखिएगा। जब भी आप कोविड-19 से लड़ने में भारत सरकार के विशेष पहलों की बात करोगे तो वहाँ पर आप इन पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए, बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन होगा। इसके अलावा कोविड-19 से लड़ने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और कौन कौन सी सुविधा की गई है, जैसे iGOT नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये iGOT नामक जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत पहले से है, अलग अलग क्षेत्र में ये काम करते रहता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड ऑनलाइन गवर्नमेंट ट्रेनिंग, यानी कि अब जैसे कोविड-19 से लड़ने के लिए कोई दूर दराज हॉस्पिटल है, उनको ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करवाया जाए, तो इस iGOT के माध्यम से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जा सकता है, या दूर दराज एरियो में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बारे में इंस्टेंट जानकारी दिया जा सकता है। इसके अलावा आरोग्य सेतु के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि आरोग्य सेतु नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो ट्रैक करेगा कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार से संक्रमण की स्थिति है, आपकी स्थिति को भी बताएगा। तो आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो पिछला नेशनल करंट अफेयर वाला वीडियो था उसमें भी मैंने इस बात को एनालिसिस किया था, और युक्ति पोर्टल के बारे में भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप पिछला नेशनल करंट अफेयर वाला जो वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं। ये सारी जो इनिशिएटिव है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से लिया गया है। आप इसका इस्तेमाल अगर मुख्य परीक्षा में कोरोना वायरस से लड़ने में भारत सरकार की भूमिका और भारत सरकार के प्रयास से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप वहां पर बेहतर तरीके से वैल्यू एडिशन कर सकते हो। चलिए इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वर्ल्ड अर्थ डे, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, हर साल किसी न किसी एग्जाम में आप देख ही लोगे कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। 2020 का थीम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस साल का थीम है क्लाइमेट एक्शन। इससे रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल 1970 को। लेकिन जब पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था तो यह सिर्फ अमेरिकी सीनेट में मनाया गया था, यानी कि अमेरिकी संसद में मनाया गया था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया 1990 में, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसको एडॉप्ट किया 22 अप्रैल 2009 को, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा 2009 से की है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग को याद रखिएगा। पहली बार मनाया गया 22 अप्रैल 1970 को, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1990 को, और 2009 से इसे संयुक्त राष्ट्र ने अडॉप्ट किया, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, हाल ही में सुबनसिरी नदी पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुल का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन किया गया है। इस पुल का नाम याद रखिएगा, दापोरिजो पुल है, जो कि भारत को चीन की सीमा से जोड़ता है। इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रैटेजिक वे में। आप देखोगे तो हमारे मिलिट्रीज को सप्लाई पहुंचाने के लिए या फिर अदर एक्टिविटीज़ के लिए, मिलिट्री के लिए जो कि चीन के बॉर्डर पे हैं उन तक सामानों को पहुंचाने के लिए यह पुल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पे दापोरिजो पुल का उद्घाटन किया गया है। तो सुबनसिरी उस नदी का नाम है, और भारत को कौन सी सीमा से जोड़ता है, तो कौन से देश की सीमा से जोड़ता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत को यह चीन की सीमा से जोड़ता है। और यह पुल कौन से राज्य में बनाया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। और इसका निर्माण किसकी तरफ से किया गया है, तो सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत और चीन की सीमा को जोड़ता है,
सुबनसिरी नदी के बारे में आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, और इस नदी का जो उद्गम है वो आप ध्यान रखिएगा चीन में है, और यह असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिल जाती है। तो सुबनसिरी नदी के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक और पुल का निर्माण किया गया है जो कि रावी नदी के ऊपर किया गया है, और रावी नदी के ऊपर इस पुल का निर्माण किया गया है, इसका नाम है कसोवाल पुल। यह भी एक स्ट्रैटेजिक हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पुल माना जाता है, और इस पुल को जो निर्मित किया गया है वो प्रोजेक्ट चेतक के तहत किया गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट चेतक के तहत में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सी पुल का निर्माण किया गया है। तो आप याद रखना है कि कसोवाल पुल का निर्माण किया गया है रावी नदी के ऊपर। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जाने। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रावी नदी के बारे में भी हम लोगों को याद रखना है। रावी नदी तो हम सभी जानते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम आप लोग याद रखिएगा थापरूषणी, इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम भी है, इसको हम लोग इरावती नाम के इसको हम लोग इरावती के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। तो रावी नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला, कांगड़ा जिला, और कौन सा पास, रोहतांग पास, यहीं से रावी नदी निकलती है, और कौन कौन से राज्य में प्रवाहित होती है, तो आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जाती है, और झांग जिले की सीमा पर किस नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है, और इस पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध का भी निर्माण किया गया है। उस बांध का क्या नाम है, उस बांध का नाम है थीन बांध। तो रावी नदी से रिलेटेड आपको यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, अगर कभी भी आपसे प्रीलिम्स में रावी नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है पीएम किसान योजना, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोविड-19 जब से देश में फैला है और कोविड-19 से जब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं तब से प्रधानमंत्री किसान योजना भी चर्चा में है। क्यों है, क्योंकि किसानों को यहाँ पर आर्थिक सपोर्ट देने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.89 करोड़ किसानों को 17,793 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि प्रधानमंत्री किसान योजना है क्या, तो इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार चर्चा किया है। 2019 का जब इंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया था तो उसी समय प्रधानमंत्री किसान योजना का अनाउंसमेंट किया गया था, यानी कि फरवरी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 100% फंडिंग किया जाता है, और 2,000 रुपये की 3 किस्तों में प्रत्येक वर्ष किसानों को 6,000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से, यानी कि DBT के माध्यम से। अगर इसकी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले जब ये लॉन्च हुआ था तो ऐसे किसान जिनके पास में 2 हेक्टेयर जोत वाली भूमि है उनको दिया जाता था, लेकिन अब देश के सभी किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये दिया जाता है 2,000 के 3 किस्तों में। तो कोविड-19 संक्रमण के बीच में किसानों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए केंद्र सरकार ने लगभग 8 करोड़ से अधिक किसानों को यहाँ पर फंड जारी किया है, यानी कि 1 किस्त जारी किया है। ठीक, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, हाल ही में राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है, इनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। कब नियुक्त किए गए ये, 20 अप्रैल 2020 को। यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, कपिल देव त्रिपाठी जो हैं 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं, और इन्हें अपॉइंट किया गया है संजय कोठारी की जगह। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है कि संजय कोठारी जिन्हें कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है हाल ही में, और जो कपिल देव त्रिपाठी हैं ये पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे और अब राष्ट्रपति के सचिव नियुक्त किए गए हैं। संजय कोठारी जो राष्ट्रपति के सचिव थे इन्हें अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, यानी कि दोनों को क्रॉस नियुक्त कर दिया गया है। यहाँ पर एक फैक्ट और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन लोगों को नियुक्त कौन करता है, जैसे राष्ट्रपति का इन्हें सचिव नियुक्त किया गया कपिल त्रिपाठी को, तो इन्हें अपॉइंट कौन करता है, एक मंत्रिमंडलीय नियुक्त समिति होती है। इस समिति में देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश के गृह मंत्री होते हैं, इन्हीं की तरफ से सिफारिश किया जाता है
किनको? राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति को ये रिकमेंड करते हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति इन्हें अपॉइंट करते हैं, ठीक है? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, जैसे मैंने बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी को। संजय कोठारी इससे पहले क्या थे? राष्ट्रपति के सचिव थे। और इन्होंने किन की जगह लिया? तो कपिल देव त्रिपाठी, जो कि कपिल देव त्रिपाठी पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे, इन्हें अब राष्ट्रपति का सचिव अपॉइंट किया गया है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखिएगा, किसके बारे में? केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या करता है? तो यह जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हो गए या ऑफिसर्स हो गए या जितने भी एम्प्लॉयज़ हो गए, तो उनमें भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन से रिलेटेड जितने भी केसेज होते हैं, उन सबकी जाँच के लिए यह सर्वोच्च संस्था है। क्या? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसको इस्टैब्लिश कब किया गया? 1964 में इसको इस्टैब्लिश किया गया था। और इस बात को ध्यान रखिएगा, इस कमेटी के बारे में, संथा नाम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को गठित किया गया था, ठीक। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, अच्छा एक सवाल मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़कर जाता हूँ। जैसे मैंने बताया कि अगर राष्ट्रपति का कोई सचिव अपॉइंट हो रहा है तो उसे कैसे अपॉइंट किया जाता है? अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो कमिश्नर होते हैं, जैसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, उनको अपॉइंट किस प्रोसीजर के तहत किया जाता है और उनको अपॉइंट कौन करता है? और अगर राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं तो रिकमेंड कौन करता है? ये इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर नहीं भी पता होगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है, यानी कि मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। और आप लोगों को पता है कि ये टॉपिक इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम सभी को पता है अमेरिका और ईरान में टेंशन्स किस प्रकार से प्रेजेंट टाइम पर क्रिएट हुए हैं। चाहे आप न्यूक्लियर डील को लेकर ले लो, चाहे फिर जो ईरान का जो सैन्य प्रमुख थे उनकी हत्या को लेकर ले लो, तो इस वजह से अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और इस बीच में जब ईरान ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया तो कोविड-19 के बीच में यहाँ पर अमेरिका की बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आई है। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा, सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा, इस सैटेलाइट का नाम है नूर, ठीक है? और इसको लॉन्च किया गया है पृथ्वी से ऊपर कक्षा में, जिसको हम लोग कौन सी कक्षा के नाम से जानते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है? 425 किलोमीटर की दूरी पर लो अर्थ ऑर्बिट होता है। और यहाँ पर जितने भी इमेजिंग सैटेलाइट होते हैं, यानी कि जो अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, जो इमेजेस लेते हैं, ये सारे जितने सैटेलाइट्स होते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही प्रक्षेपित किए जाते हैं, ठीक है? और इसको किसकी तरफ से लॉन्च किया गया है? तो ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की तरफ से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में बस ध्यान रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि हाल ही में ईरान का पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया है, इस उपग्रह का क्या नाम है या इसे कौन सी कक्षा में स्थापित किया गया है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो है आईएम बैडमिंटन अभियान। हाल ही में इस कैंपेन को शुरू किया गया है, किसकी तरफ से? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से इस कैंपेन को शुरू किया गया है। और इस कैंपेन में बैडमिंटन जगत से जुड़े हुए 8 हस्तियों को शामिल किया गया है। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस 8 हस्तियों में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को भी शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आईएम बैडमिंटन कैंपेन में भारत के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है, तो नाम होगा पीवी सिंधु। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में भी याद रखिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है बैडमिंटन खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1934 में की गई थी और इसे विश्व ओलंपिक समिति की तरफ से भी मान्यता दी हुई है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये था हमारा पूरा आज का नेशनल करेंट अफेयर। लगभग यहाँ पर 11 से 12 ऐसे जो टॉपिक थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक बनती है। इसके अलावा अगर आप घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जारी रखना चाहते हो या छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो,
बुक तो हमारे मोबाइल कोर्स के माध्यम से कर सकते हो, और हमारा जो ऑडियो कोर्स आने वाला है उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा जो वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध करवाए गए हैं उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।